दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विटामिन D3 के आपके शरीर पे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। विटामिन D3 की कमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन D3 आपकी ओवरऑल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। अगर विटामिन D3 की कमी होना शुरू हो जाती है तो आपकी दिमागी सोच, दिमागी कामकाज, हार्मोनल हेल्थ पर बहुत ख़राब असर पड़ता है और साथ ही साथ ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। अक्सर हम विटामिन D3 के बारे में सिर्फ उतना जानते हैं कि इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये तो होता ही है, लेकिन इसके कारण और भी बहुत सारी बड़ी अंदरूनी बीमारियां हो जाती हैं जो आपके बॉडी फंक्शंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इसलिए आपको विटामिन D3 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन D3 के लक्षणों के बारे में। विटामिन D3 की कमी से होने वाला सबसे पहला लक्षण होता है लंबे समय तक रहने वाली थकान। उसका कारण ये होता है कि बॉडी का एनर्जी मेटाबॉलिज्म विटामिन D3 की कमी के कारण कम हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को थकावट, कमजोरी, बेचैनी, ये सारे लक्षण रहने लगते हैं और ये समय के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। जो दूसरा लक्षण होता है विटामिन D3 की कमी का, वो होता है मांसपेशियों की कमजोरी, आपकी मसल्स की वीकनेस। क्योंकि एक सब्सटेंस बनता है आपकी बॉडी में मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, जिसको प्रो विटामिन D3 कैल्सिडोल कहते हैं, और इसके लिए विटामिन D3 की अच्छी मात्रा आपके शरीर में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रो विटामिन D3 कैल्सिडोल नहीं बनता है तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। तीसरा बड़ा लक्षण होता है बार बार और जल्दी जल्दी बीमार होना। उसका कारण ये होता है कि विटामिन D3 आपके इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम की सेल्स को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्टिव बीमारियां, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस तरह से विटामिन सी जरूरी है, उसी तरीके से विटामिन D3 भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और चौथा लक्षण होता है कि मरीज डिप्रेशन महसूस करने लगता है, क्योंकि विटामिन D3 की कमी जो है वो मूड स्विंग्स को बढ़ाती है। अगर मरीज को लगातार ये विटामिन D3 की कमी बनी रहती है तो मरीज के मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, उसको नींद कम आना शुरू हो जाती है और मरीज जो है वो डिप्रेशन जैसी स्टेट में भी जा सकता है। और पांचवा जो नॉन लक्षण है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, हड्डियों की कमजोरी, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, हड्डियों का खोखला या पोरस हो जाना। क्योंकि विटामिन D3 की अगर कमी होती है तो कैल्शियम आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए आपकी हड्डियाँ ज़्यादा कमजोर हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं और वो फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि विटामिन D3 के कॉमन लक्षण क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि आपके अंदर वो कौन सी अंदरूनी और बड़ी बीमारियां विटामिन D3 की कमी पैदा करती है, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। उसमें सबसे पहली और जो बड़ी बीमारी है वो होती है विटामिन D3 की कमी और कैंसर। कैंसर जो है विटामिन D3 की कमी से तेजी से फैलता है, और एक स्टडी में ये भी प्रूव हुआ है कि अगर आपके शरीर में विटामिन D3 का लेवल 20 नैनोग्राम पर ml से कम है तो आपके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं 30 से 50% तक के कि आपको कोलोन यानी कि बड़ी आंत का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर या ब्रेस्ट का कैंसर हो जाए। जो दूसरी बड़ी बीमारी होती है वो होती है कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियां। एक्चुअल में विटामिन D3 आपके शरीर में दो फंक्शन करता है। पहला होता है कि वो आर्टरीज या खून की बारीक नसों के अंदर जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसको कम करने का काम करता है, और दूसरा जो ब्लड क्लोट होने का चांसेस होते हैं, ब्लड की क्लोटिंग को कम करता है, रक्त के या ब्लड के थक्के को जमने से रोकता है। तो अगर विटामिन D3 का लेवल कम हो जाएगा तो ये दोनों फंक्शंस ठीक से काम नहीं करेंगे। अगर आपकी आर्टरीज के और नसों के अंदर सूजन बढ़ेगी तो उसका ल्यूमेन कम हो जाएगा, और अगर ब्लड का थक्का जल्दी जल्दी बनेगा आपकी आर्टरीज के अंदर तो वो भी कहीं ना कहीं आर्टरी को ब्लॉक करने का काम करेगा, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा या ब्रेन में स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए विटामिन D3 की कमी ना होने दें। जो तीसरा बड़ा रिस्क होता है वो होता है ब्लड शुगर या इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये भी स्टडीज में पाया गया है और ये फैक्ट है कि विटामिन D3 इंसुलिन के रेसिस्टेंस को कम करता है, पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं उनके फंक्शंस को बढ़ाता है, और ओवरऑल जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है या सिक्रेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स में विटामिन डी डिपेंडेंट कैल्शियम बाइंडर रिसेप्टर्स होते हैं, जो
विटामिन डी थ्री को बाइंड करके इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और इंसुलिन की रेसिस्टेंस को कम करते हैं, यानी कि इंसुलिन की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से विटामिन डी थ्री शुगर कंट्रोल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नंबर चार, बड़ी इन्फेक्टिव बीमारियों को रोकना या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। आपने देखा होगा कोविड के दिनों में हर डॉक्टर ने विटामिन डी थ्री ज़रूर एडवाइस किया था। उसका कारण यह है कि आपका अगर इम्यूनिटी इंप्रूव होगा तो आपको बड़ी बीमारियां नहीं लगेंगी, और अगर इम्यूनिटी आपका कमज़ोर हो जाएगा तो आपको कोई भी बीमारी बड़ी आसानी से पकड़ सकती है। और पांचवा होता है विटामिन डी थ्री की कमी के कारण हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, जिसके कारण आपको फ्रैक्चर्स होने के खतरे बढ़ जाते हैं, और बढ़ती उम्र में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर देखिए ये आपको एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी दूसरे लोगों के लिए। होता क्या है कि जब विटामिन डी कम होता है तो आपकी आंतों से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो खून की तरफ नहीं जा पाता है। इसलिए अगर आप कितना भी कैल्शियम खा लें, कितना भी दूध पी लें, अगर विटामिन डी थ्री नहीं होगा आपके शरीर में ठीक मात्रा में, तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में जाएगा ही नहीं, वो आपको टॉयलेट के साथ निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। इसलिए विटामिन डी थ्री की मात्रा बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए और अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और छठी एक बड़ी बीमारी होती है क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि किडनी का फेल हो जाना। जैसे हमने पहले बात की कि विटामिन डी थ्री एक तो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, इंसुलिन की रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं और विटामिन डी थ्री का लेवल कम है तो आपके रिस्क बढ़ जाते हैं किडनी फेलियर की और भी ज़्यादा। दूसरे, किडनी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में और आपके किडनी फंक्शंस को ठीक से चलाने में मदद करता है, जिसके लिए विटामिन डी थ्री बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा, क्योंकि ये वेस्कुलर डिजीजेज को भी बढ़ाता है विटामिन डी थ्री की कमी, जैसे हमने ऊपर बात की, अगर आपकी किडनी की आर्टरीज में डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाए, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाए, तो किडनी की ब्लड सप्लाई ठीक से काम नहीं करेगी, ये भी एक कारण बन जाएगा किडनी फेलियर होने का। तो ये कुछ खतरनाक बीमारियां थे जिनके बारे में हमने बात की, इसके लक्षणों के बारे में बात की। अब बात करते हैं कि विटामिन डी थ्री की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। अगर आपको धूप मिलती है, अगर आप सन बात करते हैं, आप धूप में रहते हैं, स्किन अगर आप खुली हो आपकी और आप धूप में जाते हैं, तो नेचुरली आपके शरीर में विटामिन डी थ्री की मात्रा बन जाएगी। अब क्योंकि हम शहरों में रहते हैं तो हमें धूप नहीं मिलती है, इसलिए यही खतरा होता है सबसे बड़ा कि शहरी पॉपुलेशन में विटामिन डी काफ़ी कम होता है। उसके अलावा आप कुछ ऐसे भोजन लें जिसमें विटामिन डी थ्री की मात्रा पाई जाती है। सी फूड्स में अच्छा सोर्स है सी फूड विटामिन डी थ्री का, तो आप सी फूड्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको फिर भी इन सबसे पूर्ति नहीं बनती है, तो विटामिन डी थ्री के सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, हफ्ते में एक गोली खानी होती है या एक पाउच लेना होता है, जैसे कैल्सरोल इस तरह के पाउच होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी थ्री की दवाइयाँ भी शुरू कर सकते हैं। कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जब विटामिन डी थ्री की ज़्यादा कमी होती है, तो डिपोर्ट इंजेक्शंस आते हैं जो जल्दी और इफेक्टिव होते हैं बहुत तेज़ी से, बट इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर वाकई आपने इससे कुछ सीखा और वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह की हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू।